सकते हो। आप भी यही मानते हैं कि ये मर्डर है या मौत? मर्डर है, मर्डर करा, किसी ने करा, जो जानकारी तो है नहीं। जानकारी आपको चाहिए, मतलब आप प्रशासन से? हाँ, क्या कहना चाहिए? शासन से हमें असली जानकारी मिलना चाहिए। अब रिपोर्ट में कोई वो कह रहे हत्या, अपनी खुशी से मरेंगे, और जब खुशी से मरें फिर पीठ पर निशान झांकड़ों के या बत्तों के जैसे बेंट से मारा हो किसी ने, वो निशान कैसे आए? आप जो है कि हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो? हाँ, ये हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई? हाँ, ये तो निश्चित है। वो यहाँ ये पुलिस मार रही है, मगर हम कह रहे हैं कि उसकी मतलब हत्या की गई है। फरुखाबाद में दो दलित लड़कियों की मौत का मामला अब पूरी तरह से पलट चुका है। लड़कियों की मौत के बाद से ही लगातार पीड़ित परिवार हत्या का आरोप लगा रहा था। बुधवार को अंतिम संस्कार से पहले भी शव पर चोट के निशान का दावा करते हुए परिवार ने हत्या की बात कही थी, लेकिन अब पीड़ित परिवार की तहरीर पर जो FIR दर्ज हुई है उसमें अलग ही कहानी बताई गई है। FIR कॉपी में कहीं भी हत्या का जिक्र ही नहीं है। पुलिस की थ्योरी थी कि लड़कियों ने खुद इस कांड को अंजाम दिया, जिसे पीड़ित परिवार सिरे से नकार रहा था, लेकिन अब FIR की कॉपी में हत्या का नाम नहीं है। दरअसल फरुखाबाद की घटना के लगभग 3 दिन बाद पीड़ितों की तहरीर पर गांव के ही दो युवक दीपक और पवन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है। इस पर पुलिस ने BNS की धारा 108 यानी जान देने के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया। FIR में क्या कहा गया ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि परिवार कैसे FIR दर्ज होने से पहले हत्या का आरोप लगा रहा था। आप भी यही मानते हैं कि ये मर्डर है या मौत? मर्डर है, मर्डर करा, किसी ने करा, जो जानकारी तो है नहीं। जानकारी आपको चाहिए, मतलब आप प्रशासन से? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? शासन से हमें असली जानकारी मिलना चाहिए। अब रिपोर्ट में कोई वो कह रहे हत्या, अपनी खुशी से मरी है, और जब खुशी से मरें फिर पीठ पर निशान झांकड़ों के या बत्तों के जैसे बेंट से मारा हो किसी ने, वो निशान कैसे आए गए? आपने देखे वो निशान? हाँ, वो हमने देखे, मोबाइल में है, फोटो खींचे बाद में सुबह को आज। आप लोगों ने फोटो खींची? हाँ। और निशान भी देखे? हाँ, निशान है। तो आपको लगता है किस चीज़ के निशान हो सकते हैं? वो सर बेल्ट से मारा है या डंडा हो सकता है, उसमें करौंदा का पेड़ है, उसमें कांटे हैं, वो कटीली लकड़ी से या झांकड़ों में गिराए के मारो या कहीं या बेल के लकड़ी। बड़ी बात है अगर आप बता रहे हैं कि कैमरा पे कि जो आप लोगों ने संस्कार किया है, आप लोगों ने शरीर भी देखा। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि उसमें मारपीट के निशान? हाँ हाँ, मारपीट के निशान है। पोस्टमार्टम में SP साहब ने बोला है कि कोई निशान नहीं चोट का, उसमें कोई निशान ना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, लेकिन आपने देखे? हाँ। आप जो है कि हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो? हाँ, ये हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई? हाँ, ये तो निश्चित है। वो यहाँ ये पुलिस मार रही है, मगर हम कह रहे हैं कि उसकी मतलब हत्या की गई है। तो सुना आपने, पहले हत्या का आरोप लगाया जाता है, लेकिन लड़कियों की मौत के लगभग 2 दिन बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर दर्ज हुई FIR में पूरा मामला पलट गया। लड़कियों की मौत के मामले में गांव के ही दीपक और पवन पर नामजद FIR दर्ज हुई। दीपक और पवन से लड़कियों की बातचीत होती थी। मृतक छोटी लड़की के पास से मिला सिम आरोपी दीपक का बताया जा रहा है। इसी सिम से दीपक और पवन की दोनों लड़कियों से बातचीत होती थी। जानकारी के मुताबिक मोबाइल मिलते ही लड़कियां सिम बदल कर इन लड़कों से घंटों बात किया करती थी, फिर सिम निकाल कर मोबाइल से कॉल लॉग डिलीट कर देती थी। दीपक और पवन पर दोनों लड़कियों को प्रताड़ित करने का आरोप है। आरोप है कि दीपक और पवन और भी लड़कियों से बातचीत किया करते थे। दूसरी लड़कियों को लेकर उस रात पवन और दीपक से मृतक लड़कियों का झगड़ा हुआ। लड़कों से झगड़े के बाद लड़कियों ने अपनी जान दी थी। फरुखाबाद मामले में दर्ज हुई FIR कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि दीपक और पवन लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। उस रात दूसरी लड़कियों से बातचीत करने को लेकर मृतक लड़कियों की दीपक और पवन से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़कियों ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि सोमवार को दोनों लड़कियां जन्माष्टमी की झांकी देखने गई थी, लेकिन पूरी रात वापस घर नहीं लौटी। फिर मंगलवार की सुबह दोनों के शव आम के बाग में संदिग्ध अवस्था में मिले। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है और पूरा मामला अब लव एंगल पर आकर टिक गया है।
फरुखाबाद से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।